जब से दोस्तों भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है तब से काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स हमें देखने को मिले हैं। एक एक्टर के लिए फिल्म का सबसे मुश्किल टास्क होता है लोगों को हंसाना। अब तक काफ़ी कम ही ऐसे कॉमेडियन एक्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सिर्फ लोगों को हंसाने में लगा दिया हो। उन्हीं कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं राजपाल यादव, जिन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। और आज की वीडियो में हम राजपाल यादव से जुड़ी 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मेम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा, पूरा देखा। नंबर 1, राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और लखनऊ शहर से भारतेंदु नाट्य अकादमी BNA की शिक्षा लेने के बाद दिल्ली की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय करने लगे। नंबर 2, राजपाल यादव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस वजह से उन्हें खर्चे निकालने के लिए काम भी करना पड़ता था। सबसे पहले उन्होंने ऑडियंस क्लोजिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर में काम करना शुरू किया और बाद में क्रोशन आर्ट थिएटर संस्था में काम करने लगे। नंबर 3, क्रोशन आर्ट थिएटर संस्था में काम करने के कारण राजपाल यादव को भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे और वो उस रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह लगता था कि वो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन नहीं आ पा रहा है जो कि एक रियल एक्टर के अंदर होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने नेशनल ऑफ ड्रामा स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपने अभिनय की खूबी को निखारने लगे। नंबर 4, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग लेने के कुछ सालों बाद ही राजपाल यादव को TV सीरियल के लिए कास्ट किया गया, जिसके बाद राजपाल यादव ने प्रकाश झा की TV सीरियल में काम करना शुरू किया। उस TV सीरियल का नाम था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल और इस सीरियल को दूरदर्शन पर दिखाया जाता था और यहीं से राजपाल यादव का अभिनय करियर की शुरुआत हुई। नंबर 5, अगर राजपाल यादव की फिल्मी करियर की बात करें तो मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल दूरदर्शन सीरियल में काम करने के बाद ही राजपाल यादव को सन 1999 में दिल क्या करे फिल्म से अभिनय करने का मौका मिला और यहीं से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। नंबर 6, हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाले राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म में एक स्कूल के वॉचमैन की भूमिका निभाई थी और ऐसे ही अभिनय करते करते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और बाद में उन्हें हेरा फेरी, चुप चुप के, हलचल और गरम मसाला जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि मिली। नंबर 7, राजपाल यादव के रोल को सबसे ज़्यादा इन फिल्मों में पसंद किया गया है। हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, लेडीज टेलर, चांदनी बार, रामा रामा क्या है ड्रामा और कुश्ती, इन जैसी और भी काफ़ी सारी फिल्मों में राजपाल यादव को ऑडियंस का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। नंबर 8, इन फिल्मों में बेहतरीन और सफल अभिनय के कारण ही उन्हें सेंसुई स्क्रीन बेस्ट एक्टर, यश भारती अवार्ड, जनपद रत्न अवार्ड और स्क्रीन बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 9, दोस्तों हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होता है जिसे वह अपना इंस्पिरेशन मानता है। अगर हम राजपाल यादव के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो वो हैं आमिर खान, अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर और महमूद, ये सभी उनके फेवरेट एक्टर्स हैं। नंबर 10, इस फैक्ट में दोस्तों हम राजपाल यादव के फेवरेट मूवीज़ की बात करेंगे जिसे वह सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। राजपाल यादव के फेवरेट मूवीज़ हैं शोले, अंदाज अपना अपना, जाने भी दो यारो और पड़ोसन, ये उनके फेवरेट मूवीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपके बेस्ट कॉमेडियन एक्टर कौन हैं आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।